सो हेलो, वेलकम, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करता हूँ मैं अभिषेक जैन आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर 8 जो कि है पॉलीफ़ेज़ सिस्टम। ठीक है, आपके बुक में ये किसी भी नंबर पे हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देख लेंगे आप जहाँ भी आपके बुक में हो, क्योंकि हम सीरीज से चल रहे हैं। आज हमने 7 चैप्टर कम्प्लीट कर रही है, हमारा 8 चैप्टर है पॉलीफ़ेज़। ध्यान रखें, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये चैप्टर जो पॉलीफ़ेज़ सिस्टम है ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। पॉलीफ़ेज़ सिस्टम वाला चैप्टर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किस तरह से हेल्प करेगा आपको काफ़ी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि 3 फेज में हम लोग जब वायरिंग के कनेक्शन करते हैं, देखिए ये सिंगल फेज़ नहीं है। बाद यहाँ पे क्या है, सिंपल देखें आप लोग, पॉलीफ़ेज़ कह रहा है ये। पॉलीफ़ेज़ यानी कि एक फेज़ से ज़्यादा, पॉलीफ़ेज़ यानी कि एक फेज़ से ज़्यादा। और हम लोग, आपको पता होगा कि सिंगल फेज़ के बाद सीधे 3 फेज इस्तेमाल करते हैं, सिंगल फेज़ के बाद सीधे 3 फेज इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमको बात करनी है 3 फेज कि किस तरह से 3 फेज होता है। ठीक है, उसकी हम लोगों को बात करनी है। चलिए, तो अब चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। और जितने भी दोस्त अभी अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा कंप्लीट करा जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे किसी भी तरह के यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो जिस भी दोस्त ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए, देखिए पॉलीफ़ेज़ सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पॉलीफ़ेज़ सिस्टम हमारा चैप्टर है। ठीक है, मेरी बुक में चैप्टर नंबर 10 है, बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर के बाद ही 8वां है। देखिए, दो या दो से अधिक फेज वाला सिस्टम को पॉलीफ़ेज़ सिस्टम कहा जाता है, जैसे 2 फेज सिस्टम या 3 फेज सिस्टम इत्यादि। दो या 3 से अधिक कलाओं को पॉलीफ़ेज़ सिस्टम कहते हैं। इसमें प्रत्येक कला यानी कि फेज को हम लोग कला कहते हैं। प्रत्येक फेज, जैसे मान लो 3 फेज है, तो पर फेज की वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी समान रहेगी, परंतु इसमें एक निश्चित कालांतर होता है, यानी कि फेज डिफरेंस। मानो कि ये 3 फेज है, तो इन तीनों फेज में निश्चित अंतर है। यहाँ 120 डिग्री है, यहाँ 120 है, यहाँ 120 है। एसी पॉलीफ़ेज़ सिस्टम का आउटपुट फेज़ों की संख्या पर निर्भर करता है। एसी पॉलीफ़ेज़ सिस्टम का जो आउटपुट होगा ना, वो फेज़ की संख्या पर निर्भर करेगा। तो फेज़ की संख्या अधिक होने पर आउटपुट की पावर भी बढ़ जाएगी। इसी अध्याय में हम पॉलीफ़ेज़ सिस्टम के लाभ, कनेक्शन और संबंधित पदों का विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी ईजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको बेसिक अगर आपके ध्यान में आ गया तो आप इस चैप्टर को आसानी से कवर कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ एसी पॉलीफ़ेज़ सिस्टम, यानी कि एसी बहुकलीय प्रणाली के लाभ क्या हैं। सबसे पहली बात देखिए कि समान विद्युत, मान लो कि एक अमाउंट की पावर है, मान लो कि मैं मान लेता हूँ 50 किलोवाट है, तो एक ही समान की विद्युत पावर ट्रांसमिशन करने के लिए सिंगल फेज, थ्री फेज लाइन में सिंगल फेज लाइन की अपेक्षा अधिक पतलेदार प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि एक ही समान की पावर ट्रांसमिट करने के लिए पॉलीफ़ेज़ लाइन में सिंगल फेज लाइन की अपेक्षा अधिक पतलेदार प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान है। तो ये एक लाभ हो गया। दूसरा क्या है, 3 फेज मोटर द्वारा उत्पन्न किया गया टॉर्क उत्तम होता है। ध्यान रखें, जो 3 फेज मोटर आपको पता है सेल्फ स्टार्ट होते हैं, जबकि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, जबकि सिंगल फेज मोटर द्वारा उत्पन्न किया गया टॉर्क पल्सेटिंग प्रकार का होता है। ठीक है, जो कि पल्स करता रहता है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट टॉर्क मुझे नहीं मिलता सिंगल फेज मोटर में, जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर में मुझे कॉन्स्टेंट और हाई लेवल का टॉर्क मिलता है। अब बात करते हैं सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा 3 फेज मोटर अधिक पावर की बनाई जा सकती है। मान लो आपको बड़ी बड़ी मशीन चलानी है, तो सिंगल फेज की मोटर ज़्यादा से ज़्यादा 1 HP या 1.5 HP या 2 HP की बन सकती है, जबकि 3 फेज मोटर आप 50, 100, 150 कितने भी HP की बना सकते हैं। चौथी चीज़ देखिए, 3 फेज मोटर की दक्षता तथा पावर फैक्टर, जो 3 फेज मोटर की एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, पावर फैक्टर भी बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू सिंगल फेज, ये इसका लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या है, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। मैंने अभी बताया सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, जबकि 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, क्योंकि पॉलीफ़ेज़ प्रणाली में रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड पैदा हो जाता है, जबकि सिंगल फेज प्रणाली में रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड पैदा नहीं होता। छठी बात देखें, 3 फेज सिस्टम में, बहु प्रणाली में 3 फेज लाइन से लाइट एंड फैन लोड के लिए, पावर लोड के लिए एक साथ लाइन ली जा सकती है, जबकि सिंगल फेज प्रणाली में दोनों कार्यों के लिए हमें अलग अलग लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर 3 फेज की सप्लाई होना, तब एक ही सर्किट में आप पावर पिन भी बना सकते हो हाई लेवल की, और आप लाइट और फैन लोड भी बना सकते हो, जबकि सिंगल फेज प्रणाली में मैंने बताया ना, एक बोर्ड अलग होगा लाइट और फैन लोड के लिए और एक बोर्ड अलग होगा आपके पावर सॉकेट के लिए। 7th पॉइंट देखें, पॉलीफेज अल्टरनेटर को सरलता से सिंक्रोनाइज कर पैरेलल में। आपको बताया ना मैंने, आप अगर सेकेंड ईयर में देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन अल्टरनेटर का, तो पॉलीफेज में अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करना आसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान रहता है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ अंतर है सिंगल फेज और 3 फेज के, तो जो अभी पढ़े ना सेम टू सेम एडवांटेज में अंतर आ जाएंगे। देखिए, समान आकार के एसी जनरेटर के लिए सिंगल फेज जनरेटर की तुलना में 3 फेज मोटर 3 फेज जनरेटर की आउटपुट दोगुनी होती है, जबकि सिंगल फेज का आउटपुट आधा रह जाएगा। दूसरी बात, पॉलीफेज सिस्टम में 3 फेज 4 वायर पद्धति में लाइट लोड और 3 फेज लोड लिया जा सकता है, जबकि सिंगल फेज प्रणाली में अधिक वोल्टेज लिया जाना संभव नहीं है। आप नहीं ले सकते, आप सिर्फ 240 वोल्ट ही ले सकते हो।
तीसरा पॉइंट देखिए, घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण, आपको पता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्या सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ध्यान रखें ये बात। फोर्थ पॉइंट है, थ्री फेज मोटर का टॉर्क समान होता है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क पल्सेटिंग करता है, पल्सेटिंग यानी कि इस तरह से पल्सेटिंग करता रहता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, थ्री फेज यानी कि पॉलीफेज मोटर का टॉर्क उत्तम होता है, इसलिए इनकी दक्षता भी अच्छी होती है, जबकि सिंगल फेज मोटर में कम पावर फैक्टर के कारण सिंगल फेज मोटर की दक्षता कम होती है। सिक्स पॉइंट देखें, पॉलीफेज मोटर में फॉल्ट ढूंढना बहुत सरल है, बहुत ईजी है, जबकि थ्री फेज मोटर में फॉल्ट ढूंढना बहुत कठिन होता है, यानी कि आसान नहीं है। थ्री फेज मोटर को अधिक एचपी के लिए बनाया जा सकता है, जबकि सिंगल फेज एचपी को बहुत ही कम एचपी के लिए ड्रॉ किया जाता है या बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर एट से देखेंगे, समान आकार की मोटरों के लिए थ्री फेज मोटर की शक्ति अधिक होती है, मानो समान आकार है सबको समान है, उसके लिए थ्री फेज मोटर की पावर अधिक होगी, जबकि उसी समान पावर के लिए इसकी शक्ति कम होती है सिंगल फेज की। नाइन्थ ऑप्शन देखें, पावर को एक दी गई दूरी तक तीन फेज में ले जाने के लिए कॉपर और दूसरे सामान की कम आवश्यकता पड़ती है, जबकि समान पावर के लिए अगर मैं बात करूँ सिंगल फेज में अधिक सामान की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और टेंथ पॉइंट है, पॉलीफेज जनरेटर को पैरेलल में चलाने के लिए सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है आसानी से, जबकि सिंगल फेज में ये करना कठिन होता है, इसलिए सिंगल फेज में हम लोग पैरेलल में जनरेटर अल्टरनेटर कुछ भी हो एक्साजेट उन्हें कनेक्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं पॉलीफेज प्रणाली कितने तरह की है। देखिए एक फेज तो सिंगल फेज हो गया, अब दो या दो से ज़्यादा फेज को ही हम लोग पॉलीफेज कहा जाता है। अब इसके हम लोग कनेक्शन देखेंगे और इसी आधार पर हम लोग देखेंगे इनके एंगल डिफरेंस किस तरह से होता है। देखिए यदि 90 डिग्री पर स्थित, ठीक है, 90 डिग्री पर स्थित दो वाइंडिंग को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा, तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार इन दोनों कॉइल में ईएमएफ पैदा होगा। आपको पता है भाई, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी कॉइल को घुमाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स कटेगा, जिस वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ये नियम आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो सेकेंड ईयर में जनरेटर वाला चैप्टर आप जाके देख सकते हैं। देखिए ये रहा, ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इनके बीच चुंबकीय फ्लक्स लाइन होगी, और जैसे ही कोई कंडक्टर इसमें घूमेगा तो क्या पैदा होगा, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, है ना, पैदा होगा ये वाला। सो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 के मध्य 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। कितने डिग्री का अंतर होता है, 90 डिग्री का। ये पद्धति दो फेज पद्धति कहलाती है, यानी कि ये जो सिस्टम है ये टू फेज सिस्टम कहलाता है। अब दो फेज हैं तो इसमें एक फेज E1 एक फेज E2, मानो एक फेज भाई जीरो से स्टार्ट हुआ तो दूसरा फेज जीरो से कुछ पहले स्टार्ट होगा, जीरो से कुछ पीछे स्टार्ट होगा, तो ये होता है आपका E2 का वेवफॉर्म, ठीक है, ये हो गया आपका E2 की वेवफॉर्म। अब बात करते हैं थ्री फेज सिस्टम की, तो थ्री फेज प्रणाली में वाइंडिंग एक ही आर्मेचर में एक दूसरे से समान इलेक्ट्रिकल एंगल पर व्यवस्थित होंगी। तो सिंगल दो फेज प्रणाली में ऑल्टरनेटर के आर्मेचर में दो स्वतंत्र वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर थी, लेकिन तीन फेज प्रणाली में कैसा होगा, तीन फेज प्रणाली करी तो ये एक दूसरे पर 120 120 120, ठीक है, 120 और 120 फेज डिफरेंस पे ये तीनों वाइंडिंग्स की जाए, ये तीनों फेज रखे जाते हैं। तो आपसे एक समय पूछेगा, बताइए थ्री फेज प्रणाली में तीनों वाइंडिंग्स के बीच या तीनों फेज के बीच कितने डिग्री का फेज अंतराल होता है, 120 डिग्री, और अगर टू फेज का पूछे तो 90 डिग्री, ये दोनों क्वेश्चन मस्ट है ना। अब तीन फेज है, तीन फेज में से एक होगा आर, एक होगा वाई, एक होगा बी, तो इन तीनों के बीच का ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, आर फेज का ईएमएफ, वाई फेज का ईएमएफ और बी फेज का ईएमएफ। देखिए आर फेज का ईएमएफ सबसे पहले जीरो से स्टार्ट होगा, फिर हम लोग लेंगे किसका, वाई फेज, तो वाई फेज थोड़ा सा पीछे स्टार्ट होगा और बी फेज थोड़ा सा पहले स्टार्ट होगा, तो ये देखिए ये बी फेज हो गया। इस तरह से आपको तीनों के डायग्राम बनाने आने चाहिए, तीनों के ये डायग्राम बनाने आने आपको चाहिए, मस्ट है ये, ठीक है, थ्री फेज हो गया। अब ध्यान देखिए थ्री फेज में पहला आर रेड, वाई येलो और बी ब्लू यानी कि नीला होता है। इसमें तीनों में वाइंडिंग डब्लू रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से गति कर रही हैं, तो आर वाई एवं बी फेजों के तात्क्षणिक मान को निम्न समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थ्री फेज लाइन है, तो तीनों लाइन में डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का अंतर है ना। तो देखिए मैं आर फेज देखूँ तो आर फेज मुझे क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक किसी भी फेज का अगर आप निकालोगे तो ER इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन। अब आप देखिए 120 डिग्री का होता है, ये आर, ये वाई, ये बी, तो आर के रिस्पेक्ट में बात करूँ मैं, आर के रिस्पेक्ट में ये 120 डिग्री लैग कर रहा है, लैग कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ तो डब्ल्यू टी था, आर को मैंने रेफरेंस माना, तो आर के रिस्पेक्ट में वाई हो जाएगा -120 डिग्री, आर के रिस्पेक्ट में वाई हो जाएगा मेरा -120 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, ई मैक्सिमम का, ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी -120 डिग्री। अब बात करें बी, तो आर के रिस्पेक्ट में बी 120 +120 डिग्री 240 कर रहा है, तो -240। अच्छा कई लोग इसे किस तरह से लिखेंगे बी को, देखो इस पे रिस्पेक्ट में लाइक करें, मगर मैं बात करूँ अगर बी के रिस्पेक्ट में यहाँ से, तो ये
आर पीछे चल रहा है या फिर मैं कह सकता हूँ बी आगे चल रहा है, तो बी कितनी डिग्री आगे चल रहा है, 120 डिग्री। तो क्या मैं फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकता, ई बी इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो कई लोग क्या करते हैं, ये जो ई बी वाला फॉर्मूला है ना, इसे इस तरह से लिखते हैं, ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो अगर आपको ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री ई बी में देखे ना, तो वो ऑप्शन भी आप सही करेंगे। पता है आपसे एग्जाम में सीधे सीधे क्या पूछेगा, बताइए थ्री फेज सिस्टम में वाई फेज का ई एम एफ कितना होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना है, जहाँ लिखा हो ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और अगर बी फेज का पूछ ले तो ये वाला टिक करेंगे, इसके साथ ओमेगा टी प्लस अगर 120 लिखा हो ना तो उसको भी ठीक करेंगे। अगर मान लो ये ना हो और ये हो तो इसको ठीक करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, एक्चुअली में आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, ये आपको थोड़ी स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। अब देखिए थ्री फेज में फेज सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, हमेशा आर वाई बी आर वाई और बी का फेज सीक्वेंस रखा जाएगा। सो जिस क्रम में तीनों कलाओं का वोल्टेज अपना मैक्सिमम वोल्टेज प्रदान करता है उसे ही फेज सीक्वेंस कहा जाता है। सो भारत में क्लॉकवाइज अनुक्रम आर वाई बी को पॉजिटिव तथा एंटी क्लॉकवाइज में आर वी वाई। मानो कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, देखो ये घड़ी की दिशा में क्या होगा आर वाई बी, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आर बी वाई। ध्यान देखेंगे आपसे पूछिएगा बताओ थ्री फेज सिस्टम में क्लॉकवाइज फेज एंगल कैसा होता है आर वाई बी, और अगर आपसे पूछ ले एंटी क्लॉकवाइज तो आर वी वाई। यहीं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं, और इसी कन्फ्यूजन को हमें दूर करते हुए पढ़ाई करनी है। चलिए अब बात करते हैं थ्री फेज प्रणाली की। तो थ्री फेज प्रणाली से संबंधित पद क्या क्या हैं इन्हें ही देखते हैं हम लोग। देखिए थ्री फेज में क्या है, फेज वोल्टेज होता है हर फेज का, तीन फेज है तो तीन फेज। लाइन वोल्टेज क्या होगा, कोई भी दो फेज के बीच का लाइन वोल्टेज। फेज करंट इसी तरह से प्रत्येक फेज में करंट, और लाइन करंट किसी भी दो फेज में फ्लो होने वाली करंट। चलिए देखते हैं सबसे पहले देखिए फेज वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए किसी एक फेज तथा न्यूट्रल सिरे के मध्य, आपको पता है तीन फेज है, मान लो अगर मैं स्टार कनेक्शन लेता हूँ ठीक है, और ये न्यूट्रल है, तो किसी भी एक फेज और न्यूट्रल माने कि इन दोनों के मध्य वोल्टेज, या फिर इन दोनों के मध्य, या फिर इन दोनों के मध्य वोल्टेज ही फेज वोल्टेज कहलाता है। तो फेज वोल्टेज क्या होगा, किसी भी एक लाइन और न्यूट्रल के मध्य का वोल्टेज फेज वोल्टेज है, अच्छी बात है। लाइन वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज होता है आपका किन्हीं दो सिरों के बीच नापी गई वोल्टेज, यानी कि किसी दो फेज, तो मानो अगर मैं आर आर और वाई बीच के, या आर और बी के बीच, या फिर इन दोनों के बीच, ठीक है, किसी भी दो फेज के बीच नापा गया वोल्टेज ही लाइन वोल्टेज कहलाता है। और लाइन वोल्टेज को वी एल से, फेज वोल्टेज को बी पी एच से शो करते हैं। अब इसी तरह से फेज करंट किसी एक वाइंडिंग, किसी भी एक फेज वाइंडिंग के मध्य फ्लो होने वाली करंट फेज करंट कहलाती है, इसे आई पी से शो किया जाता है। और लाइन करंट है किसी भी दो फेज वाइंडिंग में से फ्लो होने वाली करंट को लाइन करंट कहते हैं, ठीक है। अगर सिंगल फेज में से फ्लो होती तो फेज करंट या वोल्टेज, और अगर दो फेज का बात करेंगे दो फेज के बीच की, तो लाइन करंट और लाइन वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। अब फेज पावर क्या होगी, तो देखिए किसी भी एक फेज तथा न्यूट्रल सिरे के मध्य नापी गई वैद्युतिक पावर ही फेज पावर कहलाएगी। तो एक फेज के बीच देखियो, एक फेज और न्यूट्रल की बात कर रहा है, यानी कि फेज, तो वी पी आई पी कॉस फाई को ही हम लोग कहेंगे फेज पावर, ठीक है, वी पी आई पी कॉस फाई को हम लोग कहेंगे फेज पावर। अब कहते हैं टोटल पावर, तो तीनों फेज की शक्ति को ही, तीनों फेज की शक्ति को अगर मैं नाप लूंगा तो वो फेज पावर हो जाएगी। तो क्या करो, वो जो वी आई कॉस फाई तीनों फेज का निकाला था उसे तीन से मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया आंसर। बैलेंस लोड, बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब तीनों फेज में, तीन फेज की सिस्टम में, तीनों फेज में तीनों कलाओं का, तीनों फेजों का पावर फैक्टर लाइन फेज करंट और फेज वोल्टेज बराबर हो, तीनों फेज में तीनों फेज का पावर फैक्टर और लाइन करंट वोल्टेज अगर बराबर हो, इसे ही हम लोग बैलेंस लोड कहते हैं। इसके रिस्पेक्ट में अगर तीनों फेज प्रणाली में तीनों कलाओं का पावर फैक्टर और लाइन फेज करंट, तीनों फेज का पावर फैक्टर और फेज करंट अगर अलग अलग हो, तो ये होगा आपका अनबैलेंस लोड, ये होगा आपका अनबैलेंस लोड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड। अब इसी को हम लोग देखते हैं, बैलेंस लोड अनबैलेंस लोड के आधार पर चीज़ें हमारी किस तरह से बढ़ जाएगी। देखिए अब कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम पहुंचोगे, स्टार और डेल्टा, दो तरह के कनेक्शन होते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका स्टार है ना, स्टार कनेक्शन, और आपका एक होता है डेल्टा कनेक्शन, इसे डेल्टा कहते हैं। तो इन दोनों कनेक्शन से आपके आगे, ठीक है, जब आप मोटर्स मतलब आप सेकेंडरी में जब आएंगे ना, तो ये दोनों कनेक्शन आपके इतने काम आएंगे। तो अभी आपको इन कनेक्शन को रट लेना है, घोंट के पे लेना है, मैं नहीं जानता, बट आपको ध्यान रख लेना है। देखिए क्या होता है, हर देखो स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, तीन वायर होंगे आपके सामने आर वाई बी फेज। तो इस कनेक्शन में चार तार होते हैं। अब स्टार में चार तार कैसे हो गए, जिनमें तीन फेज के तार और एक न्यूट्रल का होता है जो कि स्टार पॉइंट से लिया जाता है। इस कनेक्शन में तीन बिंदु के समान सिरों को चित्र अनुसार जोड़ दिया जाता है, और वही बिंदु न्यूट्रल पॉइंट। क्या करते हैं इसमें, स्टार कनेक्शन आप लोग कैसे बनाते हैं, जो तीन वायर देना एक दो तीन, इन तीनों वायर को एक पॉइंट पर लाके जोड़ दिया, तो ये स्टार देखो एक दो तीन, इन तीनों वायर को एक पॉइंट पर लाके जोड़ दिया। अब जो इसमें से बीच में से पॉइंट निकला ना, यही न्यूट्रल। तो आपके घरों में जो न्यूट्रल पॉइंट आता है ना, वो यहीं से आता है, आपके घरों में जो न्यूट्रल पॉइंट आता है ना, वो यहीं से आता है। ध्यान रखें वो स्टार कनेक्शन से ही न्यूट्रल पॉइंट हमारा आता है, ठीक है, और इसे अर्थ किया हुआ जाना भी आवश्यक है।
तो न्यूट्रल और अर्थ क्या होते हैं ये मैंने अलग से वीडियो बना रखी, आप मेरे चैनल पर जाके ढूंढेंगे इलेक्ट्रिकल फैक्ट्स वाली प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए और देखें, हर लाइन में हर फेज में रिएक्टेंस भी होगा उसका, और उसका सॉरी उसका इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों होगा। तो देखो हर फेज को किस तरह से शो किया है कि भाई इसमें कुछ इंडक्टेंस भी है और कुछ रेजिस्टेंस भी है। चलिए अब देखिए, फेज हर फेज के अंदर फ्लो होने वाले करंट को फेज करंट कहेंगे। तो जो IRN, IBN और IVN क्या है, एक फेज और न्यूट्रल के बीच फ्लो होने वाली करंट को फेज करंट कहते हैं। देखिए IRN क्या है, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल के बीच फ्लो होने वाली करंट। ये क्या है, वाई और एन के बीच फ्लो होने वाली करंट और बी और एन के बीच फ्लो होने वाली करंट, लाइन करंट हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन करंट। फेज करंट की बात सॉरी फेज करंट लाइन फेज करंट फेज करंट हो गई, लाइन करंट की बात करेंगे तो दो लाइन के बीच फ्लो होने वाली करंट आप लेंगे। अब देखिए VRB ये क्या है, लाइन वोल्टेज। मैंने क्या बोला, दो फेज के बीच जब भी आप वोल्टेज नापोगे तो वो होगा आपका लाइन वोल्टेज, और यदि मैं सिर्फ न्यूट्रल और इसके बीच वोल्टेज नापूँ तो वो होगा आपका फेज वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी वेवफॉर्म बनाते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया कुछ, इस तरह से नहीं बनेगा, हाँ सॉरी इस तरह से बना लीजिए। इन तीनों के बीच 120 डिग्री का फेज अंतर है। ठीक है, 120 डिग्री का फेज अंतर मैंने बना दिया। तो ये हो गया सबसे पहले, तो आपका क्या हो गया, देखिए फेज वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, फेज वोल्टेज की। तो वी बी फेज का फेज वोल्टेज, ठीक है, ये हो गया आपका आर फेज का आर, और ये हो गया आपका वाई। ठीक है, आर वाई बी हो गया, तीनों साइकिल हो गई आर वाई बी। अब देखिए आपका अगर आर फेज का वोल्टेज है तो उससे कुछ करंट लैग करेगी कुछ एंगल में, तो ये हो गई आपकी आर फेज की करंट। देखिए ये रही आर फेज की करंट, फिर वाई फेज की करंट कुछ लैग करेगी तो वाई फेज की करंट, और इसी तरह से बी फेज की करंट भी कुछ लैग करेगी। ये लैग करेंगे फाई एंगल पे, फाई एंगल पे लैग करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो स्पेशल है कि देखिए स्टार कनेक्शन में एक चीज़ ध्यान देखेंगे, लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है, ये आपको लाइफ लॉन्ग आज से अगर आप ITI में टेक्निकल में आगे बढ़ते हो तो ध्यान देंगे, लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है स्टार में, और स्टार में लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 VPH के। ठीक है, यानी कि देखो फेज वोल्टेज जो होगा कम होगा हमेशा, फेज वोल्टेज कम होगा हमेशा, क्योंकि लाइन वोल्टेज दो लाइन के बीच में, दो फेज के बीच में, और फेज वोल्टेज सिर्फ एक फेज का है। तो इसीलिए क्या करते हैं, फेज वोल्टेज को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आपको लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है लाइफ लॉन्ग। देखिए यही लिखा है कि कुछ चीज़ें होती है जो स्टार कनेक्शन में रहती हैं कि लाइन करंट और फेज करंट हमेशा बराबर होगी, जितनी करंट लाइन में होगी उतनी ही फेज में होगी। क्लियर, लाइन वोल्टेज में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, VL = √3 VP, VL = √3 VP ध्यान रखना है, रट लो। अभी आपको मैंने थ्री फेज पावर का फॉर्मूला बताया था, 3 VP IP cos φ, तो VP की जगह क्या आ जाएगा, √3 VP की जगह VLIL होता है ना, तो ध्यान रखेंगे VP की जगह आपका क्या हो जाएगा √3 VL, यहाँ पे सॉरी VL है, सॉरी है ना VL होता है, VLIP होता है। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज होता है, तो लाइन वोल्टेज की जगह मैं क्या लिखूँ, √3 VP, जो फेज वोल्टेज आपको दे रखा होगा उसको √3 से मल्टीप्लाई करके और √L कर देंगे। ठीक है, कि यहाँ पे इसने थोड़ा सा ना गलत लिख रखा है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ होगा √3 VP IP cos φ, क्योंकि IP और IL में कुछ भी लिखूँ सेम ही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। अब देखो स्टार कनेक्शन की कुछ विशेषताएं होती है कि तीनों कुंडली एक समान पर एक सिरे पर एक साथ जुड़ी रहती हैं, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज का मान बराबर होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का 3 गुना होता है, √3 गुना होता है। तो स्टार प्रणाली में कनेक्ट जनरेटर की फेज वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या हमेशा कम रहती है। ध्यान रखना, जो स्टार कनेक्शन में जनरेटर की फेज वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम रहती है, अतः इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस सरल होता है। आपको पता है भाई, अब आपको दिख रहा है ना फेज वोल्टेज कम है, फेज वोल्टेज एक्चुअली में कम है, तो वोल्टेज भाई इंसुलेशन निर्भर करता है, इसीलिए मैं इंसुलेशन कम करता हूँ, और इसीलिए इंसुलेशन मेरा आसान रहता है। अब इस क्योंकि इसमें न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसे आसानी से अर्थ कर उपकरणों को एवं अल्टरनेटर को अर्थ फॉल्ट से बचाया जा सकता है। इस प्रणाली में लाइट और पावर दोनों प्रकार के लोड कनेक्ट किए जा सकते हैं। ध्यान रखें, आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो स्टार कनेक्शन से आती है, क्योंकि हमें न्यूट्रल चाहिए होता है, अगला देखें, यूजेस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो इस कनेक्शन के द्वारा अल्टरनेटर को लाइट लोड एवं पावर लोड के लिए एक साथ चलाया जा सकता है। मोटर को स्टार्टिंग में कम वोल्टेज पर ऑपरेट करने के लिए स्टार कनेक्शन प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान देखें, क्योंकि मोटर को स्टार्टिंग में कम वोल्टेज पर ऑपरेट करना है, इसलिए क्या करूँगा मैं, स्टार कनेक्शन दे दिए, क्योंकि फेज वोल्टेज कम होता है। इसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो मेरे घर के बाहर होते हैं ना, वहाँ पर स्टार कनेक्शन करते हैं सेकेंडरी में, क्यों, क्योंकि मुझे न्यूट्रल चाहिए, मेरे घर में न्यूट्रल सप्लाई चाहिए मुझे। चौथी चीज़, बैलेंस लोड को बिना न्यूट्रल पर स्टार कनेक्शन करके पूर्ण किया जा सकता है, जो बैलेंस न्यूट्रल है उसे स्टार कनेक्शन पूर्ण करके कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान देखिए,
अब आते हैं आपके डेल्टा। तो डेल्टा देखिए, डेल्टा में क्या है, न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, और हर फेज़ में देखो रेजिस्टेंस और इंडक्टर, रेजिस्टेंस इंडक्टर तो है ही, हर फेज़ में फ्लो होने वाली करंट फेज करंट, और फेज में दो फेज के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, देखो ये आर और वाई के फेज का वोल्टेज है तो वी आर वाई हो गया, है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए अब इसमें भी सेम कंडीशन होगी, बट इसमें क्या होता है, देखिए फेज वोल्टेज आपका आ गया फेज वोल्टेज, ठीक है, और लाइन करंट कुछ लैग करेगी आपको पता ही है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेल्टा कनेक्ट, जहाँ स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर थी तो वहीं डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर रखे जाते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है डेल्टा में, जबकि स्टार में क्या था, लाइन करंट और फेज करंट बराबर थी। अब स्टार में आपको पता था लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री फेज वोल्टेज था, तो इसी तरह से इसमें लाइन करंट अंडर रूट थ्री फेज वोल्ट करंट के बराबर होती है, लाइन करंट इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री फेज करंट, है ना। बस यही दो मुख्य अंतर है स्टार और डेल्टा में। तो देखिए लाइन करंट क्या हो गई, लाइन करंट इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री फेज करंट, वोल्टेज लाइन और फेज दोनों बराबर होते हैं, तो इसी तरह से पावर का फॉर्मूला आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, पावर का फॉर्मूला यहाँ से आप निकाल लेंगे। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताओं में क्या है, इस कनेक्शन में दो वाइंडिंग कुंडलियों के असमान सिरे परस्पर जुड़ रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले तो सेम जुड़े थे, अब देखो एक वाइंडिंग का ये सिरा पहला दूसरा, तो देखो असमान सिरे आपस में दो वाइंडिंग के जुड़े रहते हैं। इस कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से बराबर होती है और लाइन करंट फेज वोल्ट करंट की अंडर रूट थ्री गुना होती है, और इस कनेक्शन में किसी भी तरह का, ध्यान रखिए आपसे पूछेगा बताइए निम्न में से न्यूट्रल पॉइंट किस में नहीं होता, स्टार में डेल्टा में दोनों में कोई नहीं, तो आप क्या टिक करेंगे, डेल्टा में किसी भी तरह का न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, डेल्टा में किसी भी तरह का न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। अच्छा, डेल्टा कनेक्शन के लाभ क्या है, देखिए उपयोग क्या है, इस कनेक्शन का प्रयोग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट से सामान्य गति पर चलाने के लिए किया जाता है। एक बार जैसी मेरी मोटर स्टार्ट हो जाती है उसके बाद डेल्टा में चलती है, वो मैं आपको सेकेंडरी में बताऊंगा, सेकेंडरी में जब आप आ जाएंगे तब मेरी वीडियोस देखना कि किस तरह से ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले लाइन स्टार्ट में उसके बाद डेल्टा में चलती है। अब कुछ इसके कंपैरिजन पढ़ लें, तो देखिए लाइन वोल्टेज लाइन करंट देख ले, स्टार में अंडर रूट थ्री VPH होता है और यहाँ VL इज इक्वल टू VP होता है। स्टार में लाइन करंट फेज करंट बराबर होती है जबकि डेल्टा में नहीं होती। स्टार में तीनों वाइंडिंग के प्रारंभिक सिरे और अंतिम सिरे एक साथ जोड़े जाते हैं जबकि स्टार में एक वाइंडिंग का दूसरा दूसरी वाइंडिंग के पहले के साथ जुड़ा रहता है। इस तरह से इसकी कनेक्शन है। स्टार में न्यूट्रल पॉइंट उपलब्ध है जबकि डेल्टा में नहीं है, और स्टार में लाइट लोड और फैन और पावर लोड दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जबकि डेल्टा कनेक्शन में तीन फेज वाले लोड के लिए ही वोल्टेज काम में ले सकते हैं, और जबकि स्टार में आप सिंगल फेज के लिए काम में ले सकते हो। अब बात करते हैं बैलेंस तथा अनबैलेंस लोड के लिए थ्री फेज लोड, बैलेंस और अनबैलेंस के लिए थ्री फेज लोड। तो देखिए तीन फेज सर्किट चाहे वो स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड हो, भार के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। तो बैलेंस क्या है, वे सर्किट जिसमें तीनों कलाओं का समान रिएक्टेंस और समान व्यवहार पर विद्युत लोड जुड़ा हो वो आपका बैलेंस कहलाता है। तो ये हो गया आपका बैलेंस लोड। ठीक है, यानी कि देखो स्टार डेल्टा दो कनेक्शन, स्टार दो कनेक्शन है, दोनों आपस में बैलेंस है, दोनों आपस में बैलेंस जुड़े हुए हैं, ये वेवफॉर्म आपके कोई काम की नहीं। ठीक है, तो इसको अपन नज़रअंदाज करते हुए चलेंगे, सॉरी है ना, फंबल हो जाता है कभी कभी। तो आप क्या देखेंगे, स्टार में तीनों कनेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं एक साथ, तो देखो एक करंट यहाँ, तीनों करंट आपस में आके एक पॉइंट पर मिलेगी या एक पॉइंट से निकलेंगी, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो आर फेज की करंट, वाई फेज की करंट, वी फेज की करंट इज इक्वल टू न्यूट्रल करंट, है ना, न्यूट्रल करंट। तो आप क्या बोलोगे, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, आर फेज, वाई फेज, बी फेज के टोटल करंट और न्यूट्रल के टोटल करंट इज इक्वल टू जीरो होगी, ये हो गया बैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड का डायग्राम आप देख लीजिए, डेल्टा कनेक्टेड, अब यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट तो होता नहीं है, फिर भी अगर आप अजम्पशन मान रहे हैं, सॉरी बैलेंस और अनबैलेंस है ना स्टार में, अब स्टार का अगर अनबैलेंस है तो स्टार में अनबैलेंस में क्या होगा, अनबैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, कोई भी करंट कितनी भी कम ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है, न्यूट्रल करंट, आर फेज की करंट, वाई फेज की करंट और बी फेज की करंट, ये तीनों का सम जीरो होता है, इन तीनों का सम जीरो होगा जब आपका अनबैलेंस होगा। देखिए वे सर्किट जिनकी तीनों फेज पर समान प्रतिबाधा या समान प्रकृति का लोड ना होने पर अथवा समान फेज वोल्टेज ना होने पर, किन्नी दो या तीन फेज सर्किट की विद्युत स्थिति समान ना हो, अनबैलेंस कहलाते हैं। इस स्थिति में दो अथवा तीनों फेज में विद्युत धाराएं समान नहीं होती तथा विभिन्न फेज एंगल पर दिखाई देती हैं, है ना। तो इन तीनों में, तीनों फेज में अलग अलग करंट हो सकती है, तो न्यूट्रल में भी अलग करंट होगी, तो क्या होगा, तीनों फेज का सम जीरो होता है, तीनों फेज की करंट का सम जीरो रखा जाएगा। तो ये हो गया आपका बैलेंस और अनबैलेंस लोड। अब बात करते हैं पावर मेजरमेंट एंड थ्री फेज सिस्टम। तो दो मेथड होते हैं, वन वाट मीटर, टू वाट मीटर और थ्री वाट मीटर, जिसमें से टू वाट मीटर में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है।
देखिए वन वाट मीटर मेथड, इस विधि का प्रयोग बैलेंस लोड की पावर मापने के लिए, तो बैलेंस लोड की पावर मापने के लिए वन वाट मीटर मेथड प्रयोग किया जाता है। इसमें न्यूट्रल तार होना आवश्यक है, दर्शाया गया चित्र के अनुसार किसी सिंगल फेज की सीरीज में करंट कॉइल तथा प्रेशर कॉइल फेज तथा न्यूट्रल तार के बीच में लगाई जाती है ना। देखिए क्या करेंगे, किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के मध्य में आपने एक वाट मीटर लगा दिया और उससे हम लोग पावर का मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए कुल पावर क्या हो जाएगी, अंडर रूट थ्री डब्ल्यू पी, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू पी क्या है, जो वाट मीटर की रीडिंग आई है वो, और उसे हम लोग अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करके बता देंगे। अब बोले कि भाई पावर मीटर क्या है, डब्ल्यू आपको पता है डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू आपको पता है क्या होता है, डब्ल्यू इजिकल टू होगा अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव, वी एल आई एल कॉस फाइव। तो अगर आप पावर फैक्टर निकालना चाहोगे, ये तो आपने पावर निकाली, अब उसका पावर फैक्टर भी चाहिए, तो क्या करेंगे, जो पावर है डब्ल्यू उसमें अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस वी एल आई एल का अपन मल्टी डिवाइड कर देंगे। तो आपसे सिंपल पूछेगा, बताइए सिंगल सॉरी पावर मेजरमेंट में, बैलेंस लोड की पावर मेजरमेंट में आप वन वाट मीटर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें पावर और पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टू वाट मीटर मेथड, तो इसमें बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों ही तरह के लोड के लिए पावर का मेजरमेंट किया जाता है। अब टू वाट मीटर मेथड है तो क्या करेंगे, किसी भी दो फेज के मध्य वाट मीटर लगा, तो देखो पहले मैंने एक वाट मीटर लगाया आर और वाई के मध्य और दूसरा लगाया वाई और बी के मध्य वाट मीटर लगा दिया। चलिए तो ध्यान देखें, अब दो वाट मीटर है तो दो वाट मीटर की जो रीडिंग होगी वही मेरी टोटल रीडिंग होगी, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू आपसे रीडिंग देगा कि दो वाट मीटर की रीडिंग है, एक की है 50 किलो वाट दूसरे की है 60 किलो वाट, आप बताओ टोटल पावर कितनी है, तो दोनों का सम कर दो। फिर पूछेगा पावर फैक्टर बताओ, तो पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अब क्या है, नॉर्मल ये कॉस फाई का दे दिया, अब अगर मैं ये बोलूँ ना सिंपल फाई का फॉर्मूला क्या है, तो फाई इजिकल टू इसको हटा दो, फाई इजिकल टू दैट 10 यूनिवर्स अंडर रूट थ्री डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, है ना। अब फाई आए, अब फाई का कॉस फाई निकालने, तो क्या करूँगा, कॉस को मल्टीप्लाई कर दो इस फाई से, कॉस को मल्टीप्लाई कर दो फाई से, इसीलिए इसने कॉस फाई का फॉर्मूला क्या दिया, कॉस और ये टोटल फाई है, और फाई निकालने का फॉर्मूला क्या था, 10 इनवर्स अंडर रूट थ्री डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में हजारों बार पूछा गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को तो रट जे के ना चाय में घोल के पी लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थ्री फेज वाट मीटर, तो तीन फेज के वाट मीटर, थ्री वाट मीटर है तीन फेज के लिए अलग अलग लगा देंगे, तो तीनों वाट मीटर की जो रीडिंग होगी वही आपका आउटपुट होगा, तीनों वाट मीटर की जो रीडिंग होगी वही आपका आउटपुट होगा। कॉस फाई कैसे निकालेंगे, वी आई अपॉन अंडर रूट थ्री वी आई कॉस फाई, इस तरह से आप पावर मीटर निकालोगे, तीनों फेज में आपने वाट मीटर लगा दिया, तो बस ये हो गया आपका खत्म। अब बात करते हैं फेज सीक्वेंस मीटर, एक फेज सीक्वेंस मीटर होता है जिससे हम लोग नापते हैं भाई वो कौन सा फेज सीक्वेंस चल रहा है, कौन सा फेज सीक्वेंस चल रहा है। तो देखिए ये अब मीटर में थ्री फेज सप्लाई का फेज सीक्वेंस जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे थ्री फेज फेज इंडिकेटर कहते हैं, थ्री फेज फेज इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। अरे ट्रेन की आवाज़ सभी लोगों को आ गई होगी ना, घर अपना बिल्कुल पटरियों के पास बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ट्रेन की आवाज़ आ गई होगी। सो थ्री फेज सीक्वेंस मीटर को ही थ्री फेज इंडिकेटर भी कहा जाता है, ये आर वाई पी में होता है, आर वाई बी फेज सीक्वेंस में होता है। ये मीटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें तीन कॉइल होती हैं जो कि 120 डिग्री के अंतर पर समायोजित होती हैं। तो इंडिकेटर के हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की डिस्क होती है जिस पर फेज सीक्वेंस के लिए निशान लगा दिया जाता है, फेज सीक्वेंस के लिए निशान लगा दिया जाता है। जब सप्लाई का सीक्वेंस देखना, तो तीनों फेज को इंडिकेटर के तीनों, अब जो तीनों फेज है ना उसे तीनों इंडिकेटर के साथ जोड़ दिया जाता है, जब जिसके अंदर एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस कारण इंडक्शन के द्वारा एल्यूमिनियम डिस्क में क्या होगा, करंट उत्पन्न होगी और जिससे उसमें टॉर्क होगा। अब डिस्क मेरी घूमना स्टार्ट कर देगी, जिससे घूमने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करेगी, और डिस्क पर सही घूमने की दिशा का निशान लगा रहता है। अब यदि फेज सीक्वेंस ठीक है तो डिस्क भी सही दिशा में घूमेगी, और यदि डिस्क विपरीत दिशा में घूमते हैं यानी कि फेज सीक्वेंस गलत है, तो कोई भी दो तार आपस में बदल के देखो, अगर फिर भी उल्टी घूमे तो फिर दो तार बदलो, ऐसे करके आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई फेज सीक्वेंस आर वाई बी है या नहीं है। तो ये हुआ आपका फेज सीक्वेंस मीटर, और देखिए ये चैप्टर काफ़ी छोटा था, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। यहाँ से अध्याय सार पढ़ना बहुत आवश्यक है, ठीक है, इसके बाद आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बाद में हम लोग जब रिवीजन करेंगे आपको करवा देंगे, फिलहाल आप खुद से कोशिश करेंगे इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने की। सो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।